नमस्कार, आप देख रहे हैं टीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से नाराज हुए मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिके पेना नीटो, रद्द की अमेरिकी यात्रा। ट्वीट में ट्रंप ने मेक्सिको द्वारा दोनों देशों की सीमा पर दीवार निर्माण के लिए पैसे नहीं दिए जाने पर वॉशिंगटन यात्रा रद्द करने की कही थी बात। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन पर बोले अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस, कहा नाटो के लिए प्रतिबद्ध है अमेरिका। मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति जियां जीन यव्स ली ड्रियान के साथ फोन पर की बात। अमेरिकी संसद नेशनल असेंबली में भिड़े पाक सांसद, एक दूसरे पर बरसाए लात घूंसे। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने के लिए स्पीकर से मांगी थी इजाजत। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने की भविष्यवाणी, दुनिया के शीर्ष 8 महाशक्तिशाली देशों की सूची में 6 स्थान पर रहेगा भारत, तो वहीं नंबर 1 पर बरकरार रहेगा अमेरिका। सूची में भारत से आगे जापान और चीन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने विश्व बैंक के सीईओ क्रिस्टालिना जॉर्जिविया से की मुलाकात, सिंधु जल समझौते पर की चर्चा। इस मामले में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अध्यक्ष की नियुक्ति की उठाई मांग। माली आत्मघाती हमले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सुरक्षा मंत्री सालिफ ट्रॉयरे ने दी जानकारी। हमले में 40 लोगों की गई थी जान, जबकि 60 से भी ज्यादा लोग हुए थे जख्मी। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।